नहीं है, इस पे कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं, डिवाइस भी सर्टिफाइड नहीं है, गूगल पेज भी आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो आपने देख लिया क्यूटेल्स काफी कम है और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये भी काफी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, एटलीस्ट कुछ एक्सटेंडेबल रहना चाहिए था बट वो भी नहीं किया गया है। चलिए अब मैं आपको सेटिंग्स पे ले चलता हूँ, सेटिंग पे ले जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका सेटिंग पेज है, इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स मैं रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे नेटवर्क के अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा हम चलते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टी का सिंबल आ रहा है, जियो का सिम है और यहाँ पर वोल्टी नेटवर्क भी आ रहा है। वाईफाई कॉलिंग आप मन संतुष्टि के लिए चालू कर लीजिएगा बट वाईफाई कॉलिंग 12.4G वोल्टी फास्ट चार्जिंग काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं सेटिंग्स पे जाने से पहले अब मैं आपको इसके रिव्यू पे ले चलता हूँ। रिव्यू पे जाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे एम्पेयर ऐप में, मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ कि एम्पेयर ऐप के दौरान मैंने चेक कर लिया है कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। Redmi Note 4 10 वोल्ट चार्जिंग के साथ आया था और आज भी ये 10 वोल्ट पे ही काम करता है, तो ये वाला सवाल आप कमेंट सेक्शन पे ना पूछें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गूगल कैमरा जो है जी कैम ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, मैंने वर्सन 8.1 यूज किया है। मैं फोन को पिक करके दिखा देता हूँ, देखिए काफी अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर वीडियो सेगमेंट में भी अगर मैं स्वाइप डाउन करके आपको सेटिंग दिखाऊं तो 4K 60fps आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैमरा में भी आपको 1x 2x का जूम भी मिल रहा है, सभी चीज आपको अच्छे से काम करता हुआ मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। कैमरा का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सीपीयू जेड पे ले जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल है, कोई ओवरक्लॉक्ड नहीं है, ये रोम बेसिक डिवाइस है। आगे बढ़ा जाए, डीओ मैंने इसलिए चेक किया था क्योंकि वीडियो कॉलिंग इसकी कॉम्बिनेशन से मिलता है अगर आप गूगल डायलर यूज करेंगे तो, बट इसमें गूगल डायलर नहीं आता है तो आप गूगल डीओ को इंटीग्रेट उस पे नहीं कर पाएंगे, आपको मैन्युअली यूज करना पड़ेगा। अब यूट्यूब पे मैं आपको 4K वीडियो प्ले करके चेक करवाता हूँ कि क्या ये रोम 4K वीडियो प्ले कर पाता है कि नहीं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यूट्यूब पे 4K वीडियो आराम से प्ले हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2160p 60fps। मैंने ये सेगमेंट को रिव्यू पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है बहुत से कस्टम रोम पे 4K वीडियो नहीं चलता है, किसी में 2K तक चलता है, किसी में फुल HD तक ही चलता है, और इसे इंक्लूड करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि Redmi Note 4 का जो ऑफिशियल MIUI 11 वाला रोम है इसमें आराम से 4K वीडियो चलता है, कोई लैग नहीं करता है, तो इसलिए इसे भी इंक्लूड करना जरूरी था कस्टम रोम पे वीडियो पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा फोन के सेटिंग सेगमेंट पे। अब हम चलेंगे फोन के सेटिंग पे, यहाँ पर आप जाएं नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला पहला मेन्यू आता है, इसमें मोबाइल नेटवर्क के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मैंने जियो का सिम लगाया है, वोल्टी इनेबल है, वाईफाई कॉलिंग मैंने इनेबल कर दिया है, वाईफाई कॉलिंग 12.4G वोल्टी फास्ट चार्जिंग Redmi Note 4 पे कभी भी काम नहीं करेगा। आगे चला जाए, यहाँ कुछ बताने लायक नहीं है। इसके बाद कनेक्टेड डिवाइस पे अगेन ब्लूटूथ है, एप्स पे आपको डिफॉल्ट ऐप है। बैटरी की बात करें तो सबको यही पूछते हैं कि बैटरी बैकअप कैसा है, तो मैं बता देता हूँ बैटरी बैकअप 6 से 8 घंटा जैसे नॉर्मल सभी रोम्स पे होता है उस तरीके का आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 20-25 घंटा हो जाएगा या एकदम 1 या 2 घंटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जस्ट जो बैलेंस्ड बैटरी बैकअप होता है वो आपको मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपके फोन का बैटरी का कंडीशन कैसा है, आप इन 5 सालों पे कितना गेम डाल के उस पे ओवरलोड किए हैं, कितना बैटरी को ड्रेन किए हैं और बैटरी रिप्लेस किए हैं कि नहीं, वो सब के ऊपर आपके यूजेस पैटर्न के ऊपर डिटेक्ट करेगा। मेरे यूजेस पैटर्न के अकॉर्डिंग आराम से 6 से 8 घंटा कहीं नहीं गया, अच्छे से बैटरी बैकअप मिलता है। आगे चला जाए, डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे अगेन आपको वही बेसिक से सेटिंग्स सब मिलते हैं, डार्क थीम मिल जाएगा और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर काम कर रहा है, इस तरीके के बेसिक सेटिंग स्टेप टू वेकअप एक्सीडेंटल वेकअप वाला फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। डार्क मोड कुछ सेकंड के लिए मैं इनेबल करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं डार्क मोड इनेबल होने के बाद क्यूब टाइल्स को आप देख लीजिए, सेटिंग्स पैनल को देख लीजिए, इस टाइप से डार्क आपको लुक मिल जाएगा। डार्क मोड को बंद किया जाए क्योंकि कैमरा फोकस नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद साउंड सेगमेंट पे चलें तो साउंड पे आपको वही बेसिक से सेटिंग्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर चेक करके कि क्या फोन रिंगटोन ऑन है कि नहीं। जी हाँ, फोन रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म टोन सब सेट है क्योंकि बहुत सारे कस्टम रूम पे यहाँ पर नन रहता है, आपको खुद से मैन्युअली सेट करना पड़ता है। आगे चला जाए, स्टोरेज पे अब हम चेक करते हैं कि क्या रोम ने कितना जगह लिया है। देखिए 8.7GB कंज्यूम किया है रोम ने, ये एक वनीला रोम है, एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, उस हिसाब से ज्यादा जगह लिया है, इससे कम जगह लेना था, अगर आप पूरे ऐप लोड करते जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
प्राइवेसी पे कुछ नहीं है बताने लायक, लोकेशन पे भी कुछ नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी पे आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिल रहा है, फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, जबकि एंड्रॉइड 11 पे बहुत सारे कस्टम रोम पे आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। इंक्रिप्शन कैटेगरी की बात करें तो फोन इज नॉट इनक्रिप्टेड है और सी लिनक्स वर्जन जो है इनफोर्सिंग बेस्ड पे रहेगा। ऐप पिनिंग का फैसिलिटी आपको मिल जाता है, अकाउंट पे कुछ नहीं है। एसेबिलिटी के अंदर वही बेसिक सेटिंग्स होते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह, डिस्प्ले साइज, डार्क थीम, कैप्शन सेटिंग्स और पावर बटन टू एंड कॉल वाला फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद यहाँ पर ऑटो मतलब स्पीकर बैलेंसिंग वगैरह का भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कुछ खास यहाँ पर आपको नहीं है। डिजिटल वेलबिंग अच्छे से काम करता है, आप यूज करना चाहे तो कर लीजिएगा, मैं इसे यूज नहीं करता हूँ। गूगल पे कुछ नहीं है। सिस्टम्स पे आगे चला जाए तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज कीबोर्ड वगैरह दिया हुआ है। जेस्चर पे आपका सिस्टम जेस्चर है, क्विक कैमरा ओपन है, डबल टैप टू वेकअप वाला सिस्टम है, सब कुछ काम कर रहा है, आप यूज कर लीजिएगा, मैं यूज नहीं करता हूँ जेस्चर। वेदर सेगमेंट में भी आपको सभी चीज की फैसिलिटीज मिल जाती है, Xiaomi पार्ट्स आपको यहीं पर मिलता है। मी साउंड इनहेंसर है जिसे बहुत सारे रोम पे डायरेक्ट साउंड के नाम से दिया जाता है, डायरेक्ट आर्क के नाम से FPS दिया गया है, एम्बियंट डिस्प्ले जेस्चर दिया गया है और स्ट्रेंथ बैकअप, टच बूस्टर, फास्ट चार्जिंग यहाँ जबरदस्ती दिया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है, काम नहीं करता है। सिलिनिक्स वर्सन इनफोर्सिंग पे है, परमिशन पे अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आगे चले यहाँ से बैक करके अबाउट सेगमेंट मैंने बता दिया है और इस रोम में कुछ खास ऐसा वाव फैक्टर मुझे नजर नहीं आया है, जस्ट बेसिक ही रोम है और जो भी आपको देख लीजिए मैं बता देता हूँ, रिवाइंड कर देता हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं है, जी ऐप आपको अलग से फ्लैश।